अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क। मित्रों मित्रों मित्रों, सब ठीक कर दूंगा मित्रों, बस एक बार प्रधानमंत्री बना दो, फिर देख लेना सब ठीक कर दूंगा, पूरे देश को मौज करवा दूंगा मित्रों। लेकिन असल में हुआ इसका ठीक उलट। जब देश के लोगों के बने बनाए धंधे रोजगार सब कुछ मोदी सरकार की कृपा से बर्बाद हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान देश के विकास से जुड़े कई बड़े वादे किए थे, जिनमें से एक है वित्त वर्ष 2024-2025 तक भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दावा भी जुमला साबित हुआ, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति इस वक्त सबसे निचले स्तर पर आ पहुंची है। देश में गिर रही अर्थव्यवस्था, बढ़ रही बेरोजगारी और गरीबी के कारण मोदी सरकार सवालों के कटघरे में खड़ी है। पीएम मोदी द्वारा भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाए जाने का लक्ष्य असंभव है। अर्थव्यवस्था कोई एक दिन में बर्बाद नहीं हुई है, बल्कि इसके लिए मोदी सरकार ने अपने अथक प्रयासों से इसे बर्बाद किया है और जनता के हाथ से सब कुछ छीन लिया है। ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जहां संकट नहीं चल रहा हो। अब चाहे वो बात स्वास्थ्य और शिक्षा की हो या प्राइवेट सेक्टर से जुड़े संस्थानों की, हर एक व्यक्ति मोदी सरकार की विफल नीतियों के कारण आज नरक भोगने के लिए मजबूर है। और मोदी जी बस बढ़िया मेकअप और नए कपड़े बदल कर कह देते हैं कि सब चंगा सी।